वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्या आप जानते हैं दुनिया का बेहतरीन जॉब कौन सा है? क्या आपको मालूम है कि दुनिया की वह कौन सी जॉब है जो काफी बेस्ट है, जो आपको एक अच्छी सैलरी देती है और उसमें कभी भी रिसेशन भी नहीं आता? और तो और मजेदार बात क्या है कि इसमें आपको कम समय में, यानी जो लोग हार जाते हैं हर जगह से या फिर मायूस हो जाते हैं, वे इस जॉब की तरफ बढ़ जाते हैं। यह नौकरी दुनिया की बेस्ट नौकरी है। आज उस की लिस्ट में बताऊंगा पांच ऐसी नौकरियां जो दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरियों में शामिल है। आराम की नौकरी है, अच्छी सैलरी है और किसे मिलता है नौकरी, ये सारी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पांच ऐसे जॉब्स हैं जो पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए हैं और हर एक व्यक्ति इसके पीछे आकर्षित होता है, वजह क्या है वो भी बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा सैलरी कितनी मिलती है। जी हाँ, सैलरी आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे और वास्तव में एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसको यह नौकरी मिलेगी और किसको यह नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति है जिसे यह सैलरी मिलेगी और कौन सा व्यक्ति है जिसे यह सैलरी नहीं मिलेगी, या कितनी पढ़ाई जरूरी है, यानी इस नौकरी के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है। ये पांच बातें हर एक कैंडिडेट के लिए काफी मायने रखती है। अगर आप भी दुनिया की बेस्ट नौकरियों में शामिल होना चाहते हैं, देश विदेश करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा, लाइफ चेंजर होगा। तो चलिए अपने सफर पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में यह नौकरियां बेहतर क्यों है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पांच जो नौकरियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नौकरी अगर पहले नंबर पर मैं बात करूं तो ये आता है हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर। इस दुनिया में हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की डिमांड सबसे ज्यादा है। चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, हर जगह एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वहां सुरक्षा प्रदान कर सके, यानी एक ऐसा एक्सपर्ट जो आपको हर एक मुसीबत से बचाने का कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट, कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसी कंपनी होगी, कौन ऐसा इंडस्ट्रीज होगा जो हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर को न पसंद करे और उसे न रखे? और तो सैलरी भी काफी लाजवाब होती है। फिर एचएससी ऑफिसर, एक एचएससी ऑफिसर, एक ऐसा ऑफिसर जो हेल्थ सेफ्टी का एक्सपर्ट तो होता ही होता है, साथ में वह एनवायरनमेंट को भी केयर करता है कि जिस वातावरण में हम लोग हैं उस वातावरण में वह किस तरह से वह हमारे लिए सेफ रख सके, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काफी डिमांड में यह जॉब है। इंडिया में ही नहीं, भारत के उन तमाम देशों में जो आज विकसित और विकासशील दोनों में शामिल है, वहां पर इस जॉब की बहुत ही अधिक डिमांड है। हेल्थ सेफ्टी सुपरवाइजर, हेल्थ सेफ्टी के लिए सुपरवाइजर का जो जॉब होता है वह भी अपने आप में काफी बेहतरीन और लाजवाब है। हेल्थ सेफ्टी एडवाइजर, हेल्थ सेफ्टी एडवाइजर की डिमांड इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई कि आज हर एक कंपनी में एडवाइजर की जरूरत है, हेल्थ सेफ्टी सलाहकार की जरूरत है और साथ ही उसे अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो जाहिर सी बात है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी और सैलरी बढ़ेगी तो वास्तव में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ेगी। और पांचवें नंबर पे है हेल्थ सेफ्टी मैनेजर। ये पोस्ट भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। तो आज जो आपने देखा, ये पांच ऐसे जॉब हैं जो दुनिया के बेहतरीन जॉबों में शामिल है। क्यों शामिल है, इसके पहला कारण क्या है, सबसे बेस्ट और ये रेस्पेक्ट वाली नौकरी है, आराम की नौकरी है, ऑफिस जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब है, अच्छी सैलरी मिलती है, पूरी दुनिया घूमने को मौका मिलता है, आपको नए नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने का मौका मिलता है, नई चुनौतियों के साथ काम करने का मौका मिलता है और तो और साथ में ही आपको एक अलग सुखद अनुभव भी होता है। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरा जो आपके दिमाग में घूम रहा है, कितनी सैलरी मिलती है। तो सैलरी की मैं बात करूं, ये पांच जॉब है तो मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूं, इसमें जो सैलरी मिलती है डियर स्टूडेंट, वह सैलरी लाखों में मिलती है। किसमें मिलती है, लाखों में मिलती है।
अगर मिनिमम की बात करूं, शुरुआती सैलरी की भी बात करूं, तो जो मिनिमम की बात होगी वह भी आपको 50K यानी 50,000 प्लस जाएगा। तो है ना सैलरी लाजवाब। अब देखो जब सैलरी लाजवाब है तो इसकी तैयारी भी लाजवाब होगी। अब बात ये आती है सामने कि किन लोगों को यह नौकरी मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। चलिए एक नजर और डालते हैं और मैं आपको उस सफर पर ले चलता हूं। कौन बन सकता है हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर? क्या सभी लोग हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं? क्या सबको ये जॉब मिल सकता है? तो डियर स्टूडेंट शायद जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो किसे ये जॉब मिलेगा, अब इसके बारे में जरा देख लेते हैं। पांच बातें बताऊंगा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये जॉब किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। यदि आप 12वीं पास है तो या 12वीं के बाद आप इस जॉब को पा सकते हैं। इसके साथ साथ और योग्यता क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी अनिवार्य। ये देखिए ये जो है अंग्रेजी 12वीं आप पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, आप इस सफर पे चल पड़े। अंग्रेजी अनिवार्य, अंग्रेजी की जानकारी जरूर होनी चाहिए। डिप्लोमा कोर्स हेल्थ सेफ्टी में आपको कम से कम डिप्लोमा लेवल का कोर्स आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए, आपको मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए कुछ, और फिर इमरजेंसी सिचुएशंस क्या होते हैं ये तमाम जानकारियां आपको फर्स्ट एड में मिल जाती है, जिसकी जानकारी भी होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट जानकारी होनी चाहिए सर्टिफिकेट मैनेज करने से नहीं, और साथ साथ में कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए। आज दुनिया टेक्नोलॉजी की, अगर ये पांच बातें आपके अंदर है या पांच ये मेरिट्स आपके अंदर है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यह जॉब जरूर मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको इस जॉब को करने से नहीं रोक पाएगी। और तो और है, इंडिया के अलावा आप बाहर के देशों में काम कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर जाना चाहते हैं कि तो निश्चित रूप से आज ही SST इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और अपने सपनों के सफर को एक नई उड़ान दीजिए। SST इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि वह अपने आप में, यह कॉलेज अपने आप में बेमिसाल है, अपने आप में बेस्ट है। सन 1997 से वर्क कर रहा है और आज दुनिया की वह तमाम कंपनियां इसे पसंद करती हैं, और क्योंकि वो जानती हैं कि यहां से आप सर्टिफिकेट तो मैनेज नहीं कर सकते मेरे भाई, आपको पढ़ना होगा, आपको पास आउट होना होगा। अगर आपके पास SST का सर्टिफिकेट है तो ये सफर और भी आसान हो जाता है और सैलरी भी बढ़ जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी बेहतरीन होगी और आप इससे जरूर लाभ उठा पाएंगे। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।